बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार देवांशी अनिल कुमार जी, आपने ये पूछा है कि रेकी से हम बच्चों की एजुकेशन को अच्छा करने के लिए किस तरह से हील करें जिससे कि बच्चे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो भी इसके अंदर सिंबल बताए जा रहे हैं रेकी के अंदर, जो लोग रेकी जिन्होंने सीखी हुई है सेकेंड लेवल, तो तीन सिंबल को यूज कर सकते हैं, हंसा जेसो ने सेहे की चोकुरे। अगर कोई फर्स्ट लेवल में है तो वो कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकता, और किसी ने रेकी की एंटेनमेंट नहीं कराई है, ट्रेनिंग नहीं ली है, तो वो रेकी को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रेकी मास्टर के द्वारा आपके चक्रा में रेकी को ट्रांसफर किया जाता है, इंट्यून किया जाता है, तभी आप रेकी को यूज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि बच्चों की एजुकेशन कैसे अच्छी हो। तो रेकी अगर आपने फर्स्ट लेवल सीखी है तो ठीक है, सिंपल आप बच्चों की जो बुक्स और स्टेशनरी है, जो उनका बैग है स्कूल जो लेकर जाते हैं और जहाँ पर वो बैठ कर पढ़ते हैं, कोई एक निश्चित स्थान है, स्टडी टेबल है तब तो अच्छा है, नहीं है तो जहाँ भी वो बैठकर पढ़ते हैं, कभी यहाँ कभी किसी कमरे में बेड पर बैठ गए, कभी चेयर पर बैठ गए, कभी नीचे बैठ गए, तो उस समय आप उनको हील कर दें 2 मिनट। हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए हीलिंग कर सकूँ। ये अफर्मेशन जरूर देना है, ये रिक्वेस्ट जरूर पास करना है, और आपका रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेकी से आप ऑर्डर नहीं करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आप अपनी विश को फुलफिल करने के लिए प्रेयर करते हैं। तो सिंपल सा है कि हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, और उनका मन भी पढ़ने में लगे और उनके सब्जेक्ट जो हार्ड लगते हैं वो आसान हो जाएं, उनको समझ में आने लगे, बच्चा इरिटेट ना हो, अपना होमवर्क पूरा करे अच्छी तरह से, स्कूल जाए टाइम से और स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आए और परफॉर्म अच्छा रहे, उस एटीट्यूड रहे उसका, वो एक्टिव रहे बच्चा। तो ये सारी विशेष को आप फॉरवर्ड करेंगे अफर्मेशन के माध्यम से, और बच्चे के सिर के ऊपर से हील करना शुरू करेंगे या जहाँ बैठा है उस स्थान को हील कर देंगे 2 मिनट, रोज 2 मिनट करिए। अगर आप सिंबल जानते हैं तो तीनों सिंबल बना दीजिए उसके ऊपर, इस तरह से आप उसको हील करिए और अफर्मेशन दीजिए हील करते टाइम कि बच्चा मेरा बहुत टैलेंटेड है और उसको सारे सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं और उसका मन पढ़ने में लगता है और वो अच्छा मार्क्स लेकर आता है और वो अपनी लाइफ में बहुत ही ग्रो कर रहा है। वो चाहे बच्चा नर्सरी से स्टार्ट कर रहा हो या PhD तक जा रहा हो कोई भी स्टूडेंट, तो आप सभी के लिए ऐसे ही अफर्मेशन देंगे, अफर्मेशन जरूर देंगे और रेकी साथ साथ में करते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप सिंबल जानते हैं सेकेंड लेवल के हैं तो आप उसके थर्ड आई पे और क्राउन चक्रा पे सिंबल बना दीजिए, उसके अलावा थ्रोट चक्रा पे भी बनाइए और रेकी दीजिए, तीनों सिंबल बना के रेकी दीजिए। पहले सिंबल आप हंसा जेसोलेन बनाएंगे, फिर सेहे की बनाएंगे, फिर चोकुरे बनाएंगे, ये सीरियल रहना चाहिए। तो इस पर आप ध्यान देंगे और इस तरह से बना के अफर्मेशन देंगे, जो वाइब्रेशन जो जाएगी अफर्मेशन आपकी रेकी के साथ साथ में। ये बहुत लोगों के साथ में गलती हो रही है कि वो अफर्मेशन पॉजिटिव नहीं दे पा रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए रेकी उनको लगता है कि काम नहीं कर रही है। तो ये सच भी है कि आप लगातार हील कर रहे हैं किसी चीज़ को और माइंड के अंदर सोच रहे हैं, डाउट लेकर चल रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं, और दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं, होंच पहुँच वाले, अशांति वाले विचार चल रहे हैं, कोई तनाव से गुजर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उलझे हुए हैं, उसमें आप रेकी जल्दी दे रहे हैं, तो फिर रेकी थोड़ा काम आएगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेकी आपके अफर्मेशन के इफेक्ट से चलती है, अफर्मेशन को भी ध्यान देती है कि आप अफर्मेशन क्या दे रहे हैं, आप अपने अंदर थॉट्स कैसे चला रहे हैं। अगर उस टाइम पर आप जो चाहते हैं वही थॉट्स चलाते रहेंगे, जैसे कि आप चाहते हैं ना कि बच्चा आपका अच्छे मार्क्स लेकर आए, टॉप करे, उसकी एजुकेशन अच्छी हो,
वो उसकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो, उसको सब्जेक्ट्स आसानी से याद हो जाएं, वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे, तो यही चाहते हैं आप, तो आप ये कीजिए, न कि आप रेकी देते रहिए और सोचते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि रेकी दे रहे हैं, आप सोच रहे ये कुछ कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ में, रेकी दे रहे हैं, देखते हैं करके होता है कि नहीं होता है, ये उस बच्चे से बहुत कमजोर है, इतना इसको कहा है, मन में आप चला रहे हैं, सोच रहे हैं इतना इसको कहा है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, इसको लगता है कि सब्जेक्ट चेंज करा दे, साइड चेंज करा दे, और क्या करें इसके लिए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहना भी नहीं मानता है, चिल्लाता है, रोता है, होमवर्क पूरा नहीं करता है, टीवी में देखता रहता है, बैठा रहता है, ये थॉट्स अंदर चलाते रहेंगे, रेकी देते रहेंगे, तो फिर उसको रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि रेकी काम नहीं कर रही है। आप एक्चुअल में ये सब चाहते नहीं है, आप तो चाहते हैं कि बच्चा ग्रो करे, तो आप ग्रो के विषय में अफर्मेशन दीजिए और रेकी दीजिए, उसके सब्जेक्ट्स को जो उसको हार्ड लगते हो, जो भी सब्जेक्ट उसको हार्ड लगते हो, पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट को उठाइए, स्पेशली उसको रेकी दे दीजिए हर दिन, बाकी पूरे बैग को दीजिए, फिर देखिए बच्चा कैसे ग्रो करता है। और उसके अलावा उसको शील्ड बना दीजिए, शील्ड बनाने के लिए आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि हे रेकी एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो कि मैं बच्चे के चारों तरफ शील्ड बना दूँ, और आप उसके चारों तरफ अपने इंडेक्स फिंगर से यूं ऐसे घुमा दीजिए, जैसे बच्चा यहाँ बैठा है, तो अब देखिए कि वाइट ब्राइट लाइट बच्चे के चारों तरफ एक शील्ड बना के आ रही है, बना दिया उसने, और उसमें बच्चा सुरक्षित है, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, और आराम से अपना काम कर रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको परेशान नहीं कर रही है। थैंक यू।